हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का सेकंड सेमेस्टर है एल्गी लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा। एल्गी और लाइकेंस के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, आपके एल्गी का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली अपलोड हो चुका है इस चैनल पर। और वहीं पर हम बात करें लाइकेंस का, तो लाइकेंस के बारे में मैंने जो भी आपको बताया एग्जाम पेपर से रिलेटेड वो सब कुछ अपलोड कर चुका हूं। आज हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा, आज हम ब्रायोफाइटा को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइटा के जनरल करेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर ब्रायोफाइटा क्या है, इनकी प्लांट किंगडम में पोजीशंस क्या है, ठीक है, और इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस के अंतर्गत चार तरह के ब्रायोफाइटा को स्टडी करना होगा। नंबर फर्स्ट पोगोनेटम, एंथोसिरोस, मार्केंसिया, रिक्सिया, ये चार प्रकार के जो ब्रायोफाइटा हैं इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल को डिस्कस करना होगा, इनके थैलस स्ट्रक्चर से लेकर के इनके रिप्रोडक्शन से लेकर के सब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पेपर में कहीं से कहीं तक पूछा जा सकता है, ठीक है। कहीं पर लाइफ साइकिल तो कहीं पर थैलस स्ट्रक्चर, कुछ भी 2 नंबर में, 7.5 नंबर में, इस तरह से एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। आज हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम में कहां पर रखा गया है। प्लांट किंगडम में ही क्यों रखा गया, क्योंकि एक तरह का ये प्लांट है और ये लेस डेवलप प्लांट है, मतलब कि छोटे प्लांट की कैटेगरी, स्मॉल प्लांट की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम इनकी पोजीशंस क्या है, तो प्लांट किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया गया, नंबर फर्स्ट क्रिप्टोगेमी, नंबर सेकंड फेनेरोगेमी। अब ये जो क्रिप्टोगेमी है इसमें इस तरह के प्लांट आते हैं जिसमें फ्लावर अब्सेंट होता है, और फेनेरोगेमी के अंतर्गत उस तरह के प्लांट आते हैं जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो क्रिप्टोगेमी को फर्दर 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहले किंगडम, फिर सब किंगडम और फिर डिवीजन। अब यहां पर डिवीजन की बात करें तो जो क्रिप्टोगेमी है उसे 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया, नंबर फर्स्ट थैलोफाइटा, नंबर सेकंड ब्रायोफाइटा एंड नंबर थर्ड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत, थैलोफाइटा का क्या मेन करैक्टर है कि इसके अंतर्गत जो भी सब डिवीजन आएगा उनके अंदर जो प्लांट प्रेजेंट होंगे उनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होगी, इसलिए उसी के नाम पर रख दिया गया थैलोफाइटा। थैलो का मतलब हो गया थैलस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनमें थैलस लाइक बॉडी, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है, प्लांट बॉडी होती है, वो थैलस लाइक होती है, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा की हम बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी भी थैलस लाइक होती है, बट इन्हें फिर भी थैलोफाइटा में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इनका जो थैलस होता है वो कॉम्प्लेक्स है, ये डेवलपमेंट की स्टेज है इवोल्यूशन की। सबसे पहले मैं अगर बात करें हम फंजाई की, तो फंजाई का थैलस सबसे ज्यादा लेस डेवलप होता है, उसके बाद एल्गी का थैलस उससे ज्यादा डेवलप होता है, उसमें कुछ अलग तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसके थैलस में। फिर उसके बाद अगर हम एल्गी से ज्यादा डेवलप थैलस की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है ब्रायोफाइटा का थैलस। थैलस होता क्या है, तो थैलस एक ऐसा प्लांट बॉडी होती है जिसमें ट्रू लीव्स स्टेम एंड रूट अब्सेंट होता है। ट्रू का मतलब कि पूर्ण रूप से विकसित, कंप्लीटली डेवलप, पूरी तरह से विकसित जो है वो स्टेम नहीं पाया जाता, रूट नहीं पाया जाता एंड नंबर थर्ड लीफ नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इस तरह की बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी होती है, उसे हम बोलते हैं थैलस बॉडी। तो ब्रायोफाइटा की बॉडी भी थैलस लाइक होती है, इन्हें फिर भी थैलोफाइटा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती है, ठीक है। ये कंप्लीटली एल्गी से ज्यादा डेवलप थैलस होता है इनका, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इनके थैलस में इनका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है, क्योंकि उस गैमेटोफाइट, उसका नाम इसलिए क्योंकि इससे गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। और गैमेटोफाइट जो होती है वो हैप्लोइड होती है। उसके बाद ये गैमेटोफाइटिक से उसके बाद बनता है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक के बीच में, गैमेटोफाइट एन एंड उसके बाद स्पोरोफाइटिक 2N, मतलब N2N। तो इस प्रकार से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो ये बात की बात है, अभी हमें ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर्स के बारे में जानना था। हमने यहाँ पर ये देखा कि इनकी पोजीशंस क्या है, मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर रखे गए हैं, प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया, वहां पर क्रिप्टोगेमी एंड सेकेंड फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत ये जो है इनके 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया क्रिप्टोगेमी को, नंबर फर्स्ट थैलोफाइटा, नंबर सेकंड ब्रायोफाइटा, नंबर थर्ड टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम ब्रायोफाइटा का टॉपिक है। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट आता है इसका पोजीशन मैं बता चुका हूं प्लांट किंगडम में, और इसके लगभग 96 जेनेरा, ठीक है।
ब्रायोफाइटा के 96 जेनेरा हैं और 24,000 स्पीशीज है। इसके अंतर्गत रिकॉर्ड किए गए 96 जेनेरा एंड 24,000 स्पीशीज। ठीक है, ये इन्हें माना जाता है कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है, प्रिमिटिव प्लांट, सबसे पहले वहां पर लैंड पर या फिर आप कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल पर आने वाले सबसे पहले प्लांट ब्रायोफाइटा को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वहां पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे हैबिट आता है, तो हैबिट की बात करें, हैबिट या हैबिटेट, आखिर ये इनका आवास क्या है, ये रहते कहां पर हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर छायादार इलाके, मतलब जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो। ठीक है, जहां पर थोड़ा नमी प्रेजेंट हो, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और ये जो है टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब कि लैंड पर भी पाए जाते हैं। और उसके बाद इनके और भी कुछ फीचर, जैसे कि इनकी जो ये कुछ कुछ इसमें एक्वाटिक होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ एपिफाइटिक होते हैं, और यहाँ तक कि कुछ बहुत ही कम डेजर्ट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, डेजर्ट का एग्जांपल आप यहाँ पर डायग्राम में भी दे सकते हैं कि ये जो है ब्रायोफाइटा डेजर्ट में भी पाए जाते हैं। एक्वाटिक का एग्जांपल जैसे रिक्सिया फ्लुइटेंस, रिक्सिया की कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो वहां पर एक्वाटिक नेचर की होती है, मतलब पानी में भी पाए जाती हैं। ठीक है, तो ये इनका हैबिटेट है कि इसमें कुछ ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं। तो इन्हें हम एम्फीबियस नेचर का भी कहा जाता है। ठीक है, एम्फीबियस नेचर का, क्योंकि ये वाटर में भी, वाटर के ऊपर भी इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर के ऊपर डिपेंड होता है। और ये लैंड पर, मतलब कि टेरेस्ट्रियल पर ग्रो करते हैं, और लेकिन इनकी, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की नीड होती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियस प्लांट किंगडम का एम्फीबियस भी बोला जाता है। उसके बाद टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ब्रायोफाइटा पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब रेनी डे आता है, मतलब कि जब बारिश का मौसम आता है, बारिश आता है, तो उस समय ये ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा उस समय ग्रो करते हैं। उसके बाद ये जो है हिमालय पर अगर हम बात करें तो लगभग 2,000 से 20,000 फुट तक हिमालय पर ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर ये पाए जाते हैं। तो इनकी पाए जाने की जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, और ये बारिश के मौसम में ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल मैंने आपको बताया, रिक्सिया भी एक तरह का ब्रायोफाइटा है। ठीक है, रिक्सिया आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, आप एग्जांपल में देख सकते हैं, रिक्सिया आपके आसपास बारिश के मौसम में हर जगह दिख जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं इसके प्लांट बॉडी की। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलोइड होती है, मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और थैलस का मेन करेक्टर है कि इसमें ट्रू लीव स्टेम एंड रूट अब्सेंट होता है। इसमें जो रूट होता है वो राइजोइड के फॉर्म में होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि रूट का काम जो है वो राइजोइड करता है, जो कि इसके सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद इनका जो थैलस होता है वो डोर्सी वेंट्रल होता है, मतलब कि नीचे वाला पार्ट अलग और ऊपर वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट में डिफरेंशिएशन पाया जाता है। इस तरह का जो थैलस होता है उसे हम डोर्सी वेंट्रल बोलते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है इसका जो थैलस है मल्टीसेल्यूलर है। मल्टीसेल्यूलर मतलब एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीसेल्यूलर है। ठीक है, और इसके जो थैलस है उसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स पाया जाता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से ये कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन का मतलब ये वाटर को, मिनरल्स को वहां पर राइजोइड्स की हेल्प से जो है सोइल से अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन का कार्य जो है इसमें कौन करता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स। उसके बाद जो इन्हें नॉन वास्कुलर कहा जाता है, नॉन वास्कुलर का मतलब जिसमें वास्कुलर बंडल्स जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम ये सब अब्सेंट होता है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम का कार्य होता है कंडक्शन करना, वाटर का मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना, लेकिन अब यहाँ पर कंडक्शन का कार्य कौन कर रहा है, पैरेन्काइमेटस, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वास्कुलर, मतलब कि इसमें वास्कुलर बंडल जो होता है वो अब्सेंट होने के कारण यहाँ पर कंडक्शन का कार्य कौन करता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स, इनकी प्लांट बॉडी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद टॉपिक आता है ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक को अगर हम लिंक करके चलें तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, इसका मतलब फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ठीक है, इस तरह से इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। ये सब पिगमेंट जो है जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को शो करते हैं। अब अगर आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को शो करते हैं इसलिए हमें बोला जाता है कि ये फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक है। उसके बाद वहीं पर अगर हम बात करें, अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन शो कर रहे हैं मतलब इनके अंदर अपना रिजर्व फूड मटेरियल भी होगा। ठीक है,
क्योंकि अगर ये फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो फूड कहीं ना कहीं पर स्टोर हो रहा होगा, तो वो किस फॉर्म में होता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये भी नोट करके रखिए कि ब्रायोफाइटा में रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च के रूप में मोस्टली जो है वहां पर स्टोर होता है। बॉडी इनका फिलामेंटस भी हो सकती है, ग्रीन कलर की बॉडी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद मैंने आपको बताया रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, इन्हें बोला जाता है ये जो है नॉट कंप्लीट लैंड प्लांट्स, मतलब कि ये पूरी तरह से लैंड पर ही सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है। ठीक है, वहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए ये उगते तो है, ग्रो तो करते हैं सोइल पर, लेकिन ऐसी जगह पर मैंने आपको बताया जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, सैंडी प्लेस हो, मतलब थोड़ा छायादार स्थान हो, जैसे कि फॉरेस्ट में, जंगलों में, या फिर कोई वहां, मैंने आपको बताया बारिश के मौसम में हर जगह मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इसीलिए बारिश के मौसम में ये ग्रो करते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है, मैंने आपको बताया ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, इन्हें हम इसलिए, और इनका फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है, इसलिए हमें इसे कंप्लीटली लैंड प्लांट हम इसे नहीं बोल सकते। उसके बाद वहां पर टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें टू टाइप से होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें कई प्रकार से होता है। एग्जाम पेपर में आपके यहाँ पर 7.5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन या फिर ब्रायोफाइटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, इसी के ऊपर 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। उस टॉपिक को मैं अलग से करवाऊंगा क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में बहुत ही ज्यादा और डेवलप होता है, आप ये कह सकते हैं डेवलप टाइप का होता है, बहुत कई तरह से होता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइटा में होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल ऑर्गन होते हैं। मेल ऑर्गन को हम एंथ्रिडियम बोलते हैं, फीमेल ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। मेल से एंथ्रोजोइट्स, वहां पर मेल से फ्री होता है एंथ्रोजोइट्स जिसे हम बोलते हैं मेल गैमेट, एंड फीमेल से उसमें एग होता है। ठीक है, अब वहां पर मैं आपको डायग्राम बना करके आपको दिखा दूंगा रिप्रोडक्शन वाले सिस्टम में कि किस तरह से मेल और फीमेल आपस में फ्यूजन करते हैं, फिर बनता है जाइगोट, जाइगोट स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक फिर दोबारा से उसमें से स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके प्राइमरी प्रोटोनिमा, फिर उसके हेल्प से बनता है गैमेट्स, तो इस तरह से गैमेटोफाइटिक जनरेशन आ जाती है। तो इस तरह से गैमेटोफाइटिक फिर जनरेशन, इसकी लाइफ साइकिल में देखा गया है कि गैमेटोफाइटिक फिर स्पोरोफाइटिक। ठीक है, गैमेटोफाइट हैप्लोइड होता है और स्पोरोफाइटिक डिप्लोइड होता है, तो हैप्लोइड से डिप्लोइड N2N ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन इनका मेन प्लांट अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट क्या होता है, एग्जामिनर पूछ ले या कोई भी वाइवा लेने वाइवा वॉइस जो लेने आता है वो पूछ सकता है कि आप ब्रायोफाइटा का जो मेन करेक्टर है वो क्या है, मतलब मेन प्लांट क्या है, तो वो है गैमेटोफाइट। ठीक है, जो कि हैप्लोइड होता है और उसी पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसी पर गैमेट्स बनता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइटिक। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉल ब्रायोफाइटा का नाम क्या है, ठीक है, ऐसा ब्रायोफाइटा जो कि सब, अब हम साइज की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा 40 से 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जियोप्सिस और सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है वो है डाउसोनिया। ठीक है, तो डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा और सबसे छोटे ब्रायोफाइटा का नाम है जियोप्सिस। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, अब विज्ञान की वह शाखा या बॉटनी की वह शाखा जहां पर हम ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं उसे बोला जाता है ब्रायोलॉजी। ठीक है, नोट करेंगे इस पॉइंट को। और इंडियन ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, तो उनका नाम है SR कश्यप, शिवराम कश्यप। और हमेशा ध्यान रखें, दो नंबर में डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन हर बार हर साल पूछा जाता है कि प्रोफेसर शिवराम कश्यप के दिए गए कंट्रीब्यूशन बॉटनी में, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, उनके बारे में वहां पर शॉर्ट क्वेश्चंस में दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शिवराम कश्यप को याद रखना, उन्होंने ब्रायोफाइटा में बहुत ही ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ, मतलब यहाँ तो हमने इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट की बात की, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम पूरे वर्ल्ड के ब्रायोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो वो उन्हें बोला जाता है हेडविक। ठीक है, कुछ लोग केवर्ट्स भी मानते हैं बट यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा हेडविक। ठीक है, तो ये था ब्रायोफाइटा का जनरल इंट्रोडक्शन।
ठीक है। उसके बाद अब हमारा टॉपिक बचता है रिप्रोडक्शन। तो फटाफट मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इसके पोजीशंस के बारे में बताया, इसके हैबिट के बारे में बताया, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद मैंने आपको बताया एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम, इन्हें एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। एम्फीबियस का मतलब वो होता है जो लैंड और पानी, मतलब टेरेस्ट्रियल भी और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सके, उसको मतलब कि दोनों जगह पर प्रेजेंट होता है। जैसे मेंढक होता है, ठीक है, फ्रॉग होता है, वो वहां पर लैंड पर भी आकर के सांस लेता है। पाइला भी सेम वही एम्फीबियस नेचर का होता है। तो ये एम्फीबियस जो होते हैं वो पानी में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब लैंड पर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनके एम्फीबियस नेचर इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए वाटर की नीड होती है, ठीक है, और ये ग्रो करते हैं सोइल में, इस तरह से ये एम्फीबियस नेचर को शो करते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है ये ऑटोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक का मतलब कि जो सड़े गले पदार्थों से, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को गेन करें उसको बोला जाता है सेप्रोफाइटिक। तो कुछ ब्रायोफाइटा सेप्रोफाइटिक की तरह अपना जीवन व्यापन करते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है ये नॉट कंप्लीट लैंड प्लांट्स हैं क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, इसमें वस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होता है जिसके कारण इन्हें नॉट कंप्लीटेड, और साथ में वाटर के मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है नॉट कंप्लीटेड लैंड प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को भी मैं कंप्लीटली और पूरी तरह से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। रिप्रोडक्शन का पॉइंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम पेपर में। तो आइए डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। गाइस हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अब्सेंट होता है। इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि ब्रायोफाइट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वहां पर एक्सप्लेन कीजिए। तो ये जितना भी टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखाया है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा, दो तरह से प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं शॉर्ट में फटाफट आपको समझा दूंगा, लेकिन इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको वहां पर एग्जाम पेपर में एक्सप्लेन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनिंग पॉइंट भी बताऊंगा, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। यहाँ पर मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या काइक जेनन की। तो इसमें क्या होता है, सबसे नंबर फर्स्ट बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन। यहाँ पर वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ ओल्डर रीजन। मतलब किसके जो आगे वाला पार्ट है, मतलब कि जो एंटीरियर पार्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके जो इसका पोस्टीरियर जो पीछे वाला पार्ट है वो डेथ होता, लगातार वो डैमेज होता चला जाता है, ठीक है, और आगे वाला जो पार्ट है वो फ्री होकर के ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके एक नया थैलस का फॉर्मेशन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आई थिंक आपको दिख रहा होगा, जैसे ये कोई थैलस है, ठीक है, ये कोई थैलस इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। अब इस पार्ट ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये डेथ होता चला जाता है, ठीक है, ये खत्म होता चला जाता है इस तरह से, ठीक है। अब ये नीचे वाला पार्ट खत्म हो गया, डैमेज हो गया, और आगे वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाता है, फिर ये इस तरह से, ठीक है, ये अपनी अलग तरह के इस तरह से डिवाइड हो जाता है। ये पूरा का पूरा यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड होगा और एक नया थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह का इसके हम डेथ एंड डेसी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, डेथ एंड डेसी मेथड। ये दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए डेथ एंड डेसी मेथड, तो आप यही जो है वहां पर बता सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये मेथड है। उसके बाद बाय द फॉर्मेशन ऑफ एडवांटेजियस ब्रांचेस। अब यहाँ पर एडवांटेजियस ब्रांचेस में इसमें क्या होता है, इसमें जो थैलस का आगे वाला पार्ट है इसमें कुछ अलग तरह की एडवांटेजियस ब्रांचेस निकल कर आती हैं, ठीक है। थैलस वाले पार्ट में एक अलग तरह की ब्रांच निकल कर आती हैं, उसको हम बोलते हैं एडवांटेजियस ब्रांचेस। वे ब्रांचेस जो है वो अलग होकर के एक नए थैलस का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद आता है बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशंस। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम एक कुछ थैलस के ऊपर एक टफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकल कर आती हैं, ठीक है। वो टफ लाइक स्ट्रक्चर वो भी थैलस से अलग हो जाती हैं और अलग होकर के जर्मिनेशन करेंगी और वो जर्मिनेट करके एक नया थैलस का फॉर्मेशन करेंगी।
तो यहां पर तो मैं स्लो फटाफट फटाफट बताया हूं आपको कैसे क्या होता है, बाकी जब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां पर हम एक एक पॉइंट को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे, डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से बाय प्रोग्रेसिव ऑफ ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन किस तरह से होता है, डेथ एंड डेसी मेथड बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटस ब्रांचेस का भी, ठीक है। तो डायग्राम जितना बढ़िया बनाओगे एग्जाम पेपर में नंबर भी उतने ही मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। बाय ट्यूबर फॉर्मेशन, अब यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो ट्यूबर फॉर्मेशन द्वारा कई प्रकार की जेनेरा में भी देखा गया है। तो ट्यूबर फॉर्मेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया जो थैलस जो होता है वो वहाँ पर कुछ स्टार्च को इकट्ठा कर लेता है अपने चारों तरफ, उसके जो है लेयर्ड का फॉर्मेशन होता है। ट्यूबर फॉर्मेशन कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, ठीक है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है, अनफेवरेबल होती है, उस कंडीशन में ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है। और वो ट्यूबर का फॉर्मेशन उस अनफेवरेबल पीरियड का सामना करता है, उससे लड़ता है, और फाइनली जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वहां पर वो एक नए थैलस का फॉर्मेशन करता है जर्मिनेट करके, ठीक है, इस तरह से होता है। बाय ग्रोविंग एपिक्स एपिसिस, इसमें क्या होता है, इसमें जो आगे वाला पार्ट है सेम, इसमें सबका जो वेजिटेटिव प्रोडक्शंस है वो मेथड है वो लगभग लगभग सबका मैच करता है, सेम होता है, ठीक है। इसमें यही, इसमें भी सेम वही स्ट्रक्चर होगा बायोग्रोमिंग एपिक्सिस में, कि उसमें आगे वाला जो ब्रांच है उसी में से कुछ पार्ट जो है अलग डैमेज हो जाता है, ठीक है, डैमेज होने के बाद वो सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होने के बाद अलग अलग टूट करके एक नया थैलस बनाता है, ठीक है। एक होता है बाय गेमी फॉर्मेशन, ये हिपेटेसी में भी पाया जाता है, ठीक है, जब हम उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो कुछ क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन के बेस पर भी दिया गया है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे बाय गेमी फॉर्मेशन में क्या होता है। ये जो है एंथोसिरोटी या हिपेटेसी इस तरह की में, इस तरह की जो वहां पर ब्रायफाइटा के जो क्लासिफिकेशन के उसके बेस पर दिया गया है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं बाय गेमी फॉर्मेशन में, इसमें क्या होता है, जैसे कोई फ्लक्स से स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ठीक है, और इसमें कुछ इस तरह से आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से, इसी को हम बोलते हैं गेमी, ठीक है। ये गेमी जो है वो अलग होकर के एक नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनीमा, तो प्रोटोनीमा में क्या होता है, जो जर्मिनेशन करके मैंने आपको बताया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है, ये जर्मिनेट करके यहाँ पर एक प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है, ठीक है। वो प्रोटोनीमा यहाँ पर कुछ प्रोटोनीमा तो वहां पर गैमेटोफाइटिक बना लेते हैं, कुछ का जर्मिनेशन होता है, वो जर्मिनेट करके फिर उसके बाद, ठीक है, वो वहां पर एक सीड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस सीड से बनता है एक नया थैलस। तो कुछ इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनको मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में फटाफट बता दिया क्योंकि जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट की हेल्प से होता है और इसमें ओगैमस टाइप का होता है। ओगैमस का मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो भी है वो स्मॉल होगी और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो जो भी होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। तो इसे इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं ओगैमस टाइप। इसमें गैमेटोफाइट जो होता है वो सिंगल हैप्लोइड होता है और हैप्लोइड पर एंथ्रीडियम और एगोनियम, ठीक है, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला जाता है, एंथ्रीडियम कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की, ठीक है। अभी जब हम उन चारों ब्रायोफाइटा को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर उसके जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं उनको हम इस तरह से बनाकर, ये जो है मल्टी सेल्यूलर होता है और जैकेट लेरिड होता है एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथ्रीडियम से बनते हैं एंथ्रोजोइट्स जो कि कुछ इस तरह से कोमा शेप्ड में होते हैं और बाई फ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है। इस पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये मोटाइल होता है क्योंकि फ्लैजिला प्रेजेंट है, मतलब कि ये स्विमिंग करेगा वाटर में और वाटर में जाकर के जो है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम एक फीमेल ऑर्गन है और उसके अंदर एग में जाकर के इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, ठीक है। अब ये फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन के लिए, मैंने आपको बताया वाटर की नीड होती है, और फाइनली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बना लेगा ये जाइगोट, और जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है क्योंकि इसमें दोनों हैप्लोइड जो है एन एन आपस में मिल करके 2N बना लेते हैं, और फाइनली जाइगोट जर्मिनेट करके बनाता है स्पोरोफाइटिक कंडीशन, ठीक है। अब ये आती है स्पोरोफाइटिक स्टेज। स्पोरोफाइटिक जो होता है वो कैप्सूल फ्रूट सीटा में इस तरह से डिवाइड होता है जिसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है स्पोर मदर सेल्स होती हैं, इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स बनती हैं जो कि मियोसिस करने के बाद उसमें होता है मियोसिस होने के बाद वो स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके प्राइमरी प्रोटोनीमा और फिर फाइनली क्या होता है गैमेटोफाइटिक बनाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सेम इसी तरह से होता है जैसे मैंने आपको लाइफ साइकिल दिखाया, ठीक है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में स्टडी करेंगे तो उसमें इसी तरह से आपको जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो ये जो पॉइंट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का वो कुछ इसी तरह से होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ ओल्डर रीजन,
इसमें ये जो किस तरह के, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रिक्सिया, रिक्सिया एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें जो कि डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, ठीक है, जिसमें डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, पीछे वाले पार्ट्स, पोस्टीरियर पार्ट्स डेथ होता चला जाता है, उसकी मृत्यु होती चली जाती है और आगे वाला पार्ट जो है वो ग्रो करके नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ इस तरह से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और कुछ इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। एग्जाम पेपर में आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम पेपर में 7.5 नंबर में लोग क्वेश्चन पूछा जाता है, रिक्सिया के लाइफ साइकिल को डिस्कस कीजिए, या कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। एग्जाम पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं, आप चैनल के अंदर चेक कर सकते हैं सब एग्जाम पेपर किस तरह से आता है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, कितने समय में आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ मैं वहां पर बता चुका हूं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि जो गैमेटोफाइटिक जो होता है ये होता है हैप्लोइड, ठीक है, और ये होता है जो यहाँ पर स्पोरोफाइटिक होता है ये सब डिप्लोइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हैप्लोइड से डिप्लोइड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। तो ये था, आई होप आपको यहाँ पर ब्रायोफाइटा के बारे में कम से कम कुछ तो पता चला होगा, आखिर आपको पता चला होगा ब्रायोफाइटा होते क्या है। एल्गी के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फंजाई के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जूलॉजी का भी धीरे धीरे हम सिलेबस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।